हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ बनाने जा रहे हैं गुलाब जल, से हम लोग रोज़ वाटर भी कहते हैं। तो ऐसे पता है हम लोग को विंटर में रोसेस का मौसम होता है, तो बहुत सारे रेड रोज खिलते हैं। तो हम लोग बहुत सारे रेड रोज को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका पेटल्स सेपरेट करेंगे, पेटल्स को निकालेंगे एक एक करके, उसके अच्छे से निकालेंगे और देखेंगे कोई वो तो नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पेटल्स को उठाकर एक क्लीन बर्तन में डालेंगे, साफ बर्तन में डालकर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेटल्स को लेकर हम लोग एक पैन यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं अपना एक इडली कुकर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंट के हिसाब से मैं यूज़ कर रही हूँ। हम लोग एक कटोरी को रखेंगे, उसके बाद उसमें हम कटोरी के चारों तरफ हम लोग रोज के पेटल्स को डाल देंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक ग्लास पानी डालेंगे उस रोज पेटल्स के ऊपर, फिर उस पैन को हम लोग बंद कर रखेंगे। बंद करने के बाद जो हम लोग का स्टीम आने वाला जगह है, वो हम लोग आटे से बंद कर देंगे। आप लोग कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइस को बीच में डाल देंगे पैन के, और फिर गैस को ऑन कर देंगे। गैस को ऑन करने के बाद के कटोरी में कलेक्ट हो गया है, तो ठीक है। तो हम लोग ने गैस को ऑफ कर दिया। जैसे ही वो गैस पैन ठंडा हो जाएगा, तो हम लोग हाथ से निकाल कर देखेंगे हम लोग की कटोरी में रोज़ वाटर कलेक्ट हो गया है। और देखेंगे जो पैन में हम लोग ने रोज़ डाला था पानी डालकर, उसे जब हम लोग स्क्वीज़ करेंगे तो हम लोग को रेड वाटर भी मिलेगा। इसे हम लोग रोज़ एसेंस कहते हैं। तो रोज़ वाटर, रोज़ एसेंस बन गया है। रोज़ वाटर आप लोग 6 मंथ तक एक अच्छे से कंटेनर में डालकर स्टोर कर सकते हैं। रोज़ एसेंस जो है वो आप लोग अपने फेस पैक के साथ या फिर नहाने के पानी में सब डालकर यूज़ करें, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा, देखिएगा। और रोज़ वाटर भी आप लोग खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।